द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। दोस्तों, जहां जहां उद्घाटन करने, फोटो खिंचवाने और ड्रोन उड़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां वहां पर छत गिर जाती है। लेकिन इस बेशर्म मोदी सरकार को शर्म कहाँ आती है। सोशल मीडिया पर लगातार शर्म करो मोदी पनौती ट्रेंड कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रोन उड़ाने से फुर्सत ही कहाँ है। अब ड्रोन ही उड़ा रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जहां जहां मुझे जानकारी लेनी होती है वहां मैं खुद नहीं जाता बल्कि अपना ड्रोन भेज देता हूं। खबर भी मौजूद है, यह खबर देखिए। इसमें लिखा भी हुआ है कि जब मुझे कई सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूँ और किसी को पता तक नहीं चलता है कि मैंने सारी जानकारी कैसे ले ली है। तो अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी थी एयरपोर्ट के छत गिरने की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी कि यहाँ पर पैसे खाए जा रहे हैं, क्योंकि कितनी निकम्भी हो चुकी है यह सरकार? अब आपको यह पता चलेगा, आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। जिस पर पत्रकार रवीश कुमार ने इन्हें कैसे बेइज्जत किया है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए आप इन तस्वीरों को, किस तरीके से मोदी जी का विकास छप्पड़ फाड़ के दौड़ रहा है देख सकते हैं। ये 29-27 जून की तस्वीरें हैं, जब जयपुर एयरपोर्ट, 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट और 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट, ये 3 दिनों में 3 एयरपोर्ट कितने बड़े बड़े हादसे हुए। तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इन तीनों जगहों का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि महामानव ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप देखिए, इनमें लिखा भी है जबलपुर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो इसका उद्घाटन हुआ था 10 मार्च 2024 को, यानी कि इसी साल हुआ था, अभी साल भर भी नहीं बीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुए हादसे हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की बात की जाए तो इसका उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका भी उद्घाटन किया था, बाकायदा फोटो सेशन कराया था। अब इस दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर गई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक कितनी सुरक्षित है। और राजकोट एयरपोर्ट की बात की जाए तो इसका उद्घाटन भी अभी साल भर हुआ है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो जब उद्घाटन करना होता है, फोटो खिंचवाना होता है, तब तो प्रधानमंत्री आगे आगे हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जब हादसे हो रहे हैं ये लोग जवाब देने तक के लिए भी तैयार नहीं है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली को लेकर कहा गया कि जो टर्मिनल 1 बनाया गया ये अत्याधुनिक है, इसमें करोड़ों रुपए लगा दिए गए। अब ये अमर उजाला की खबर भी देख लीजिए, लिखा हुआ है कि IGI एयरपोर्ट और अधिक आधुनिक हो गया है, सुविधाओं से लैस हो गया है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि यह वही टर्मिनल 1 है जिसका उद्घाटन अभी 1 साल का समय भी नहीं हुआ और छत गिर गई, लेबर की गाड़ी में ही मौत हो गई। कैब ड्राइवर वहां पर सवारी का इंतजार कर रहा था तभी भरभरा कर छत गिर गई, कैब ड्राइवर की मौत हो गई। दावे तो बड़े बड़े किए गए लेकिन सारे के सारे दावे जमीन पर फेल होते नजर आ रहे हैं। अब इसी पर रवीश कुमार ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 2-2 करोड़ और 1 नौकरी मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सुबह काम पर गया था वह अपने घर जिंदा नहीं लौट पाएगा। आप सभी को इसकी मांग करनी चाहिए, मांग तो की जा रही है लेकिन यह मोदी सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है
मुआवजा देना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी तक संवेदनाएं तक भी व्यक्त नहीं की गई है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए बोतल तक बटोरते हुए नजर आते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह दिल्ली के प्रगति मैदान का टनल है, जब इसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो नरेंद्र मोदी ने इतने ज्यादा संवेदनशील दिखाई दिए कि वहां पर बोतल उठा रहे थे, कूड़ा कचरा साफ कर रहे थे, अकेले टहलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पानी लबालब भरा हुआ है, गाड़ियां डूब रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी से जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। अरे ये सरकार क्या जवाब देगी जो कि राम के नाम तक पर लूट करती है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि राम मंदिर के गर्भ गृह से पानी टपक रहा है, बरसात का पानी तो राम मंदिर जिसके नाम पर लाखों करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया गया, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पानी टपक रहा है। अब पानी टपक रहा है, पानी लीक हो रहा है, या फिर कि मोदी सरकार ही लीक हो रही है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर सिर्फ बात एयरपोर्ट की, राम मंदिर की नहीं है, बिहार के पुलों की भी हो रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर 5 पुल ढह चुके हैं, मात्र 18 जून से लेकर 28 जून तक 5 पुल ढहे हैं, और इनमें से तो कईयों का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। हाल ये हो चुका है कि मोदी सरकार का, अब मोदी सरकार के विकास का और अब मोदी की मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि यहाँ पर तो मुझे शक हो रहा है, साजिश की जा रही है, इन पुलों को जानबूझकर किसी ने गिराया है, मुझे ठेकेदार पर शक हो रहा है। सवाल मोदी सरकार से किया जा रहा है, लेकिन ये लोग ठेकेदार की बात कर रहे हैं। अब ठेकेदार पर कैसे ही सवाल खड़ा करोगे जब ठेकेदार भी गुजरात से लाया जाता है। जी हाँ, ये खबर मौजूद है, आप इन खबरों को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक ठेकेदार पर सवाल खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ अभिनव पांडे नाम के पत्रकार हैं, तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं कि यूपी में यूपीपी पेपर गुजरात कंपनी कराती है, लीक हुआ तो मालिक अमेरिका फरार हो जाता है। यूपी में अयोध्या का सीवर गुजराती ठेकेदार बना रहे हैं, अब सीएम योगी ने नोटिस जारी किया है। बनारस में सड़क से लेकर शौचालय तक गुजराती ठेकेदारों ने बनाया, यूपी वालों को कुछ बनाना आता ही नहीं या बनाने ही नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही लीक हो रहा है। लेकिन जब इस पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे नीट के पेपर के लीक पर डिस्कशन की मांग की, और जैसे ही बोलना शुरू किया सदन में उनका माइक बंद कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यह सरकार डिस्कशन से, सवाल से और विरोध से कितना भागती है। यह हाल तो तब हो चुका है जब लोग तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कितना छप्पर फाड़ विकास किया है, आप एक एक तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत है, मोदी सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन इस बार मोदी सरकार का यह हाल नहीं है जो पिछले कार्यकाल में था। इस बार मोदी सरकार अल्पमत में है और इंडिया गठबंधन मजबूत है, चाहे जितना चुप कराया जाए इंडिया गठबंधन चुप बैठने वाला नहीं है। तो फिलहाल इन सारी तस्वीरों में मोदी सरकार की बेशर्मी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।